देखो गोदे गीता आ गई। क्या गीता, अगर तुम नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता, वहाँ खड़े रहे। बता। देखो मुझ में एक वीकनेस है। ए, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कभार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। ए, नो प्रॉब्लम। ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं, और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास पट के चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का, मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक इट्स ओके। गुरु गुरु, अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया। तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां है उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार। माफ कीजिए। धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ, फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है, ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना, बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4-4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा, वहाँ जाने के लिए तुझे सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। ए पीसो रे, ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से, ए हट, पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय, आइए ना प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े डालो धो और दो। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। फायर इंटरेस्ट? हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते हो ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी थू राजा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो हेलो मैडम। तो नहीं पी रहे, चला बहुत सही था ना।
गुलाब, मोगरा, गुड़हल, चमेली, लिली, कमल, सब फ्लावर का पूरा मार्केट अपनी ऑफिस की तरफ क्यों आ रहे हैं? हाय हाय चेयर गर्ल्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक ही चेयर है, सिर्फ एक ही बैठी। नहीं नहीं छोड़ो, राजा किधर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो। हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने आए हैं। जबड़ा हिलाने वाला मैटर क्या है? अर्जेंट है, 30,000 उधार चाहिए। मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गिरवी रखने के लिए क्या लाई? गिरवी रखने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं लेकर आए हैं। अरे चलेगा, ये पिंक इज पिंक है ना, इसे रख के जाओ। हम 3 दिन तक इंकू पिंकू डोंकू खेलते रहेंगे और फिर बाद में इसे आके लेके जाना। ओके चलेगा ना तुम्हें? चलेगा ना? बी छी नहीं जी सी। मैं राजा के आने के बाद बात करती हूँ। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ। पिंकी यार इधर बैठ जा। पिंकी गीता, हाय। राजा आ गया, राजा आ गया। राजा ये देख गीता आई है। अरे तुम तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ आई हो, बैठो ना। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है सो हमने सोचा इसे ट्रीट ले ले। वो क्या है ना, मंथ एंड है, कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए। नो प्रॉब्लम करीम भाई। ओके बॉस। वैसे 30,000 की ट्रीट? हाँ, हमने एक्चुअली ले मेरिडियन होटल में ट्रीट मांगी थी, सो यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई। फ्रेंड्स के लिए उधारी लेते हुए मैंने सुना है, उधारी दिला के उससे पार्टी मांगने वाली फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बस दे दो। 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे। हाँ? No problem. इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं। अरे नहीं, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए फायर इंटरेस्ट, सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं। आप आराम से देना, कोई बात नहीं। थैंक यू। महिलाओं की सेवा, एंजॉय। वैसे आप कुछ पियेंगे क्या, चाय वगैरह? कुछ नहीं चाहिए। चिल्ड्रन? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना। नहीं नहीं कुछ नहीं, चलेगा चलेगा। ले लो ले लो, चारों के लिए क्वार्टर। कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। मैं टी कॉफी की बात कर रहा था, बोतल दूंगा, ये क्यों सोच रही हो? ए चुप हो जा गीता, आप गलत मत समझिए। ए छोटो, ये कॉफी अच्छी बनाता है। अच्छा, पैसे मिल गए ना, चलो। थैंक यू। एक्चुअली यू नो व्हाट गीता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। 2 जन को गाड़ी के पीछे भेज। ठीक है भाई। और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए, अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया आ गया, मेरे आने तक होल्ड कर, पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। I can't come to the cinema. क्यों? There's something really wrong. तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। रुको मैं भी आऊँ। लड़कों को बताओ क्यों आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? मुझे माफ कर दो साहब। कौन हो तुम? छोड़ 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 दे छोड़ दे छोड़ 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 दे छोड़ दे छोड़ दे।
मैडम आप ठीक है? ये इधर क्यों आई? सुनिए मालिक, आप लोग आइए। आते हैं। बेटा विराज, तुम भी आओ। हेलो, यहाँ किस लिए आई हो? राजा को मिलने के लिए। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं? उसकी माँ इधर आई है। माँ आई है? हाँ, उधर BMW कार से बाहर आ रही है ना, वही है अंजना देवी जी, अपने राज की माँ। राज ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, उसकी ओनर। आज किसके लिए आई है पता है? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए घर के सारे लोग आए हैं और हमारा राजा भी आया हुआ है। उस दिन कुछ स्टेटस बक रही थी ना, ये है हमारे राजा का स्टेटस, समझी गया? चल। मिस्टर विराज, करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया उस पंडित ने। कहाँ है वो बुड्ढा? ए भैरव, मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर क्यों आ रहे हो? गांव छोड़कर जाने वाले बंजारे लोग को बुला के सबको अपने सर पर चढ़ा रहा है तू? यहाँ किसी को भी लेकर आ जाओ, लेकिन यहाँ का राजा मैं ही हूँ। क्या जाली बात है, इसके अन्याय को रोकने वाला क्या कोई नहीं है यहाँ पे? 10,000 है, रख ले। हाय राजा। हाँ, हाय। ये बैलेंस है, तू रख ले। ठीक है, बाद में मिलते हैं। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। राजा, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाकर प्यार क्या होता है इसका मतलब तुमने बताया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। गीता है ना, तुमसे बहुत प्यार करती है राजा। ऐसा क्या? यही सब बताने के लिए वो आज रजिस्टर ऑफिस गई थी। तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये उसे मालूम पड़ा। उसे गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से वो वहाँ से वापिस चली गई। उसने मुझसे कसम ली है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, फिर भी मैंने तुम्हें ये बता दिया। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है राजा। गीता, गीता, गीता। इसे प्रपोज करने के लिए 3 साल लग गए, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर खुद प्रपोज कर दिया। हमारा लव मैरिज हुआ है। बाय। हेलो, लेट मत करना। बाय। गीता दीदी, गीता दीदी। कौन दीदी? एक सलाह देता हूँ, सुनो। बोलो। मेरे ऑटो के पीछे क्या लिखा है जरा देख लो। What? मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाथ से निकलने मत देना। आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आए हैं, ऐसे ही लग रहा है। ये ले लो बेटी। क्या है माँ जी ये? तुम खुद खोल कर देख लो। किसने दिया माँ जी आपको ये? एक खूबसूरत लड़का राजकुमार ने दिया बेटी। वहाँ उसे देखो। मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है, मेरी माँ। और उस माँ की कसम खाती कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। ये राजा। I'm Narayan, software. I'm Raja, hardware. I like hardware. I like software. Oh, बढ़िया। I like him. Sorry. मिस्टर हार्डवेयर अंकल, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है हार्डवेयर, पैर हटा लो। ए रोक 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 रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई। ये मनो, वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना, वही है। ठीक है भाई।
अरे क्या बात है, चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे, तेरी तो। ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए, 10 सालों के बाद आप गांव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी, इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते मार्किन। शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूध लेकर आऊंगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा, उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ।